तो जम्मू कश्मीर के सोपोर से आतंकवादियों ने एक शख्स को अपहरण कर लिया है। जिस शख्स का अपहरण किया गया है वो एक स्थानीय मजदूर है। आज सुबह मजदूर का शव मिला है, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल सोपोर के बोमिया में हरवान इलाके में 45 साल के मुश्ताक अहमद मीर अपने घर के अंदर थे, तभी अचानक अज्ञात बंदूकधारक उनके घर में जबरदस्ती घुसते चले आए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि वे लोग मुश्ताक का अपहरण करके ले गए और पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आतंकियों ने घाटी में दहशत का माहौल बनाना तेज कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिन में अज्ञात आतंकियों ने समूह ने कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों से 6 लोगों को अगवा किया था। बता दें कि आतंकी पहले स्थानीय पुलिस वालों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनकी नजर वहां के आम लोगों पर भी पड़ गई है।